वेलकम बैक टू माय चैनल पिकअप गार्डनिंग। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं गुलाब की कटिंग्स को ग्रो करने का एक नया तरीका, जिसे आज तक किसी ने यूज़ नहीं किया है। ये है फ्लोरल फॉर्म, जो कि फ्लोरिस्ट यूज़ करते हैं अपने गुलाब को या दूसरे फ्लावर्स को फ्रेश रखने के लिए। इसे यूज़ करके हमने हमारी कटिंग्स के अंदर बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट पाया है और चौंकाने वाले रिज़ल्ट आए हैं। इसके अंदर हमारी जो कटिंग है वो लगभग 20-22 डेज के अंदर बिल्कुल तैयार है रिपोर्ट करने के लिए, और आप खुद देख सकते हैं कितना शानदार रिज़ल्ट इसका रहा है। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं कि कैसे हमने फ्लोरल फॉर्म के अंदर गुलाब की कटिंग्स को सक्सेसफुली ग्रो किया है। इस साइज के फॉर्म को हम यूज़ करने वाले हैं हमारी कटिंग्स को ग्रो करने के लिए। यूज़ करने से पहले इन्हें पानी में भिगो दें अच्छी तरीके से। जब मॉइस्चर इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, फिर हम कटिंग को इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। फ्रेंड्स, ये मोस्टली सेमी हार्डवुड कटिंग्स हैं, पेंसिल साइज के लगभग बराबर, जिन्हें हम कलेक्ट करने वाले हैं और ग्रो करने वाले हैं। तो दोस्तों, इन कटिंग को ग्रो करने के पहले हमें इनके ऊपर फ्रेश कट्स लगाने चाहिए। जब भी हम ग्रो करें, उसी समय इन पे फ्रेश कट लगाएं। आपका जो कटर है वो बिल्कुल शार्प होना चाहिए। ध्यान रहे कटिंग का जो सिरा है वो बिल्कुल इंटैक्ट रहे, वह फटना नहीं चाहिए। दोस्तों, हमारा ये जो फॉर्म है ये पूरी तरीके से गीला है। सिंपल सा प्रोसीजर है, हम फॉर्म में एक छेद करेंगे। और इसके अंदर लगभग 1 से 1.5 इंच कटिंग को इंसर्ट करेंगे। कटिंग को फॉर्म में इंसर्ट करने के बाद हम उसे कोकोपीट की सहायता से पॉट में लगाएंगे। कोकोपीट में पानी पिलाकर उसे मॉइस्ट कर दें और इसे एक सेमी शेड एरिया में रख दें। दोस्तों, अगर मौसम में ह्यूमिडिटी कम है तो आप इसे पॉलीथीन से कवर कर दें। दोस्तों, आज 5 दिन बीते हैं और हम एक अपडेट लेना चाहेंगे। ये है हमारा अपडेट, लगभग 5 दिन, आज 5वां दिन है और इसके अंदर स्प्राउटिंग स्टार्ट हो गई है। देखिए किस तरीके से हमें नए नए स्प्राउट्स नजर आ रहे हैं। यहाँ पर एक स्प्राउट है, एक यहाँ पे है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, और यहाँ पर तो बिल्कुल क्लियरली विजिबल है। आइए आपको दिखाते हैं कुछ और कटिंग्स का अपडेट। इन कटिंग्स को लगाए हुए लगभग 20 दिन हुए हैं और इनमें भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है। यहाँ पे हमने हमारे कटिंग्स को पॉलीथीन से प्रोटेक्ट किया है और एक ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट किया है। पॉलीथीन के यूज से जो कटिंग्स हैं उनके अंदर मॉइस्चर बना रहता है, और हाई ह्यूमिडिटी और हीट जब दोनों मिलती है तो कटिंग्स के अंदर स्प्राउटिंग स्टार्ट हो जाती है।
दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल बी बैक विद सम मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस। टिल दैट, बाय बाय।